तरीके से कोरोना के मामले देश भर में बढ़ रहे हैं और सेकेंड फेज में गोवा को भी देखा जाए तो इस स्ट्रेन में गोवा से भी केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। इस वक्त गोवा के मौजूदा स्थिति के बारे में बात की जाए तो कितना ज्यादा कोरोना प्रभावित कर पाया है गोवा राज्य को? ऑन एन एवरेज 1000 प्लस केसेस डेली मिल रहे हैं, ऑन एन एवरेज 15-20 डेथ स्टेट में हो रहे हैं। वो गोवा के लोकसंख्या के कंपेरिजन थोड़े ज्यादा ही है। हमारे रिकवरी रेट 84.50% है, लेकिन इस सब के लिए जो पूरा एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसके लिए, यानी जो बेड कैपेसिटी, आईसीयू बेड्स, रेमडेसिविर इंजेक्शन से ऑक्सीजन से लेके पूरी तैयारी हमने सरकार की तरफ से करी है, लेकिन फिर भी थोड़ी मात्रा में लोग आने के लिए बहुत ही लेट करते हैं, इसीलिए हमारा मोर्टेलिटी रेट जो है हाई है। बिल्कुल प्रमोद जी, जिस तरीके से देखा जाए विभिन्न राज्यों में भी कोरोना प्रोटोकॉल का सरकारें कोशिश कर रही हैं, प्रशासन वहां की कोशिश कर रही है कि लोगों से पालन कराया जाए, तो ऐसे में गोवा की जनता आपका कितना साथ देती नजर आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है जनता का जागरूक होना इस वक्त। जी, आपकी बात सही है। एक्चुअली इसके ऊपर बात करने के लिए लोगों में जागरूकता बहुत ज्यादा रहनी चाहिए, और जैसे कि आप बार बार कह रहे हैं कि अवेयरनेस कर रहे हैं, मास्क यूज करना कंपलसरी है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और द कंपलसरी फॉर द वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन ड्राइव हमने बड़ी मात्रा से स्टार्ट किया है। अभी तक हमने वैक्सीनेशन यानी 210,618 लोगों को पहला डोज दे दिया है। कंपैरिजन इज द पॉपुलेशन ऑफ द गोवा, जो एलिजिबल पॉपुलेशन था अब तक 45 के ऊपर, विच इज अप्रोक्सीमेटली द 5 लाख, उसमें से 2 लाख लोगों ने पहला डोज ले चुके थे। और बात रही ऑक्सीजन की, यहाँ के जितने सारे ऑक्सीजन प्लांट्स है उन्होंने अपने इंडस्ट्रियलाइज ऑक्सीजन देने के लिए बंद किया है, उन्हें सिर्फ मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के लिए कहा है। और हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो अलॉटमेंट किया है वो अलॉटमेंट हमें रोज मात्रा से मिलेगी, इसलिए मुझे लगता है वी विल फुलफिल द ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, हम फुलफिल करेंगे। हमारे दोनों जगह पे जो ऑक्सीजन बड़े टैंक्स थे वो हमने एक जगह की फुल फ्लेज टैंक्स ऑफ द 5,000 टन कैपेसिटीज वो एक्टिवेट कर दिए हैं,